अहले ख़ानदान सभी बहुत लोग हैं, नाम भी नहीं ले सकता मैं, और ख़ास तौर से आप तमाम लोगों का मैं सबसे पहले तो ये शुक्रिया अदा करना चाहता कि आपने शेख रशीद साहब और खलील दादा के मानने वाले अपने हमदर्द लोग दोस्त और बिरादर, मैं तहे दिल से अहले खाना की तरफ से मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग जो है इतने दूर और इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ बैठे, ये गवाही है मोहब्बत की, उनके अहले ख़ानदान से प्यार की और हमदर्दी की। अभी असलम अंसारी साहब ने, शकील बेग साहब ने, सैयद मुस्लिम साहब ने बहुत सारी बातें रिजवान भैया ने आपके सामने रखी है, बताए है, और मैं ऐसा समझता कि दोनों कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, ना शेख रशीद साहब ना शेख खलील साहब, ये हम सभी जानते, और हम सब उन्हीं की मोहब्बत में, और ख़ास तौर से हम यहाँ जितने लोग जमा हुए, मैं खुद, हम सब साथ चले हुए लोग हैं जो शेख रशीद साहब के साथ, शेख खलील के साथ, आज जो है ये दोनों अहले ख़ानदान के मेन नगीने थे, दोनों मेन नगीने थे, और वो नगीने थे कि इस ख़ानदान की शान और मान ये सब कुछ थे, वो अल्लाह ने उनको वो सारी चीज़ों से शहर भर में इज्जत दिया था दोनों को, और शहर भर में मुखालिफ में हमदर्द में हमारे अपने लोगों के अंदर काफ़ी बातें जो है, काफ़ी बातें ये हो रही कि भाई ये दो शख्स जो थे है ना यहीं तक थे, यानी ये परिवार यहीं तक है, ये आप तमाम आम लोगों में बातें कोई बात से महरूम भी नहीं। मैं खास तौर से आज हम सब का जमा होने का मतलब जो है कि यह अहले खाना को हम सब की जिम्मेदारी है, अगर तुम शेख रशीद साहब के हमदर्द हो, दोस्त हो, शेख है, तो हम सब का फर्ज बनता है, हम सब की जिम्मेदारी बनती उन सब लोगों को जवाब देने की, खास तौर से हर तरीके से, इखलाई तरीके से बोलो, इंसानी तरीके से बोलो, सही तरीके से बोलो, हमारा अपना फर्ज बनता है, और खास तौर से अहले खानदान को मैं एक छोटा मोटा आदमी है, एक हमदर्द एक मशवरा देना चाहता हूं, जिसमें आज रफीक दादा के बाद शेख जलील है, और शेख जलील के बाद शेख आसिफ है, फिर वहां से सभी है, हमारे अपने बच्चे जितने भी है, खालिद से, वार्ड से, और जितने भी है, मैं मेरे अपने दिल की और उससे बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से, सभी लोगों से, कि वो जो नगीने की बात मैं जो बोला हूं वो कैसे बनना है, कैसे बनेंगे, ये मेरा अपना एक छोटा मोटा मशवरा है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नामुमकिन नहीं, नामुमकिन को बोलो, कोशिश करना चाहिए, नहीं बन सकते लेकिन उनके जैसे दिख तो सकते ना, करे तो सब ने, और तुम खुद उनकी औलाद है, तुम उनके भाई है, तुम खुद वो शख्स को देखे, दोनों को, ये दोनों क्या थे, सौलत बहुत है, सौलत बहुत है, बहुत लोग हैं, अल्लाह ने उनको जो सही तरीके से भी दुनियाई तरीके से वो सारी चीजों से अल्लाह ने उनको नवाजा था, वो सारी चीजों को उतरने चलने वाले लोग थे, वो छोटा हो के बड़ा हो वो दोनों के साथ लगते ही नहीं था, तुम्हारे दोस्त लोग परिवार के दोस्त लोग उनके साथ दोस्त जैसा रहते थे, और उनके साथ वो दोस्त जैसा रहते थे, मैं अगर बोल रहा हूं ये सभी जानते, तो ये अहले परिवार को, अहले खानदान को उनके नफ्स और कदम थे, उसके ऊपर उनको अमल करना है, उस पर उनको चलना है, तुम सब हम सब जानते, दादा को भी और साहिब को भी, अल्लाह करम तो शहर में बहुत पैसा है लोग, उनसे बड़े बड़े पैसा ले लो, लेकिन अल्लाह ने जो इज्जत से उनको नवाजा था, जो उनके अंदर सारी खूबियां सारी बातें थी, वो सारी अमल भी है,
इंसानी अमल भी है, दुनियाई अमल भी है। तो तुम दोनों को देख लो, शायर कभी नहीं भूलेगा, आने वाली नस्ल नहीं भूलेगी। और वो सारी खिदमत है कि हम बता नहीं सकते। मैं जैसे उस दिन बोला कि नमाज से जन्नत है, खिदमत से खुदा, दोनों रास्ते में हवाला दिए गए, आली मुफ्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह ने जो उलमाए कराम बताते वो जन्नत ही दिए। अब हमारा अपना अपना अहले खानदान की जिम्मेदारी है, वो जगह जाना है, जो शहर में चलता है, जो शहर में बातें है। आसिफ भाई देखो, तुम जो है सियासत को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जानते हैं, बाकी दलील दादा है, अकील है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम्हारे दोनों नगीने की देन है कि जो अहले खानदान में उन्होंने ऐसा दे के गए, जो मोहब्बत जोड़ के एक दूसरे को ऐसा दे के गए, बस उसका अमल करना है। बाकी खाली थे सियासत में, वहां पर तुम्हारे कवर अप के लिए बहुत देर। जब से रशीद साहब आसिफ भाई चले थे, ना पैसे से ना साथी से, ना ऐसा माहौल था। और जो शख्स के सामने पहली बार जब खड़े हुए थे, शायद यानी यहां सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कि ये बोलते थे कि निहाल साहब, वो निहाल साहब का नाम ऐसा था, अरे बाप कौन लड़ेगा, कौन आएगा। ऐसा पीरियड, ऐसा सियासत का उस वक्त, और उस वक्त निहाल अहमद के सामने नाम लेना, निहाल अहमद के सामने खड़े रहकर बात करना। मैंने अच्छे अच्छे ख्वाब देखा है, मैं भी 54 साल का है, लेकिन मैं बहुत छोटा था। जो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे रशीद साहब, मैं उनके साथ वहां से चला और वहां से देखा हूँ अल्लाह करम से। तो हमको एक सियासी रहनुमा की भी जरूरत है, और जब शेख रशीद साहब नहीं रहे, आज शेख आसिफ साहब है, तो उनको हम ताकत पहुंचाएंगे उसी तरह जैसे शेख रशीद साहब को हमने ताकत पहुंचाई थी। तो इंशाल्लाह आगे हमारा कारवा इसी तरह बढ़ता रहेगा, और हमको कहीं ना कहीं शेख रशीद साहब की कमी धीरे धीरे हम भुला सकते। मैं इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करूँगा। हमारा बोलना चाहिए, लेकिन एक चीज के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि जो मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, कि वो यानी दोनों तरफ से ताहिद करना है हमको, यानी हम हमारी तरफ से हिमायत ये करते आसिफ शेख और उनके शेख रशीद साहब के परिवार अहले खाना को, कि हम सब जैसे शेख रशीद साहब के साथ साना बसाना चला करते थे, शेख खलील दादा के साथ साना बसाना चला करते थे, ऐसे ही उनके परिवार के साथ में हम आज साना बसाना चलेंगे। उंगली उठाकर सब लोग तारीफ कर दे, फिर आसिफ भाई अपनी तारीफ हिमायत हमको दे। मुकद्दस की एक आयत बांधे, घर से निकला हूं मैं इमामों की जमानत बांधे। और आसिफ साहब ये तुम्हारे लिए कि कितना मुश्किल है विरासत को बचाए रखना, कितना मुश्किल है विरासत को बचाए रखना। दर बदर घूमता हूँ गठरी में सराफत बांधे, दर बदर घूमता हूँ गठरी में सराफत बांधे। हमारे शेख रशीद साहब जब पहला असेंबली लड़ने के लिए खड़े हुए थे, जब से हम उनके साथ है, तो अभी जब इरफान अकबर साहब ने बोला कि निहाल साहब का नाम लेते से लोग डर जाते थे, तो साहब का ऐसा प्रोग्राम हुआ असेंबली लड़ने का, मच्छी बाजार में जलसे के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था, मच्छी बाजार में फिर जलसे का परमिशन मिला। 20 साल से मच्छी बाजार में निहाल साहब के अलावा जलसा नहीं होता था। तो फिर ऐसा हुआ कि यार चलो मच्छी बाजार में जलसा होगा। अब सदारत साहब ने मेरे को बुलाया घर से, मैं आया। जन जागरण समिति जब नेशनल ऑफिस के ऊपर थी, बोले तेरी सदारत में यह जलसा करने का है। मेरी सदारत में साहब का पहली आमदारी में सबसे मच्छी बाजार में जलसा हुआ। मैं तब बोला था और आज बोल रहा हूँ।